One more sum for the financial statement. Now, what is different in this sum? That is manager's commission. Ha, manager's commission provide karne wale net profit. Pe. Again, accounts given, amount given here, trial balance given. Because debit or credit ka balance given. Hai. Capital, drawing, general expense, machinery, furniture, sundry creditor, trade expense, bad debt, bank overdraft given. then again स्टॉक डायरेक्ट expenses taxes एंड इंश्योरेंस वेजेस डेटर सेल्स परचेज स्कूटर स्कूटर एक्सपेंस बेड डेप प्रोविजन कमीशन बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल बैंक तो ये सारे अकाउंट्स गिवन है अमाउंट गिवन है इन्हें ट्रांसफर करेंगे एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं पहला एडजस्टमेंट वही क्लोजिंग स्टॉक सेकेंड हमारा है राइट ऑफ बेड डेप टू हंड्रेड मेंटेन द प्रोविजन फॉर डाउट डेट फाइव परसेंट ओके प्रोवाइड टू परसेंट डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स ये थोड़ा अलग है जो अब अभी तक हमने नहीं किया था मशीनरी पे डेप्रिसिएशन 10 परसेंट है 500 इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट प्रोवाइड करना है आउटस्टैंडिंग है प्रीपेड इंश्योरेंस टू द एक्सटेंड ऑफ रुपीज टू लेट्स सी कैसे करते हैं सबसे पहले एडजस्टमेंट्स एंड देन उसके बाद हम करेंगे बाकी सारी अकाउंट्स को अकाउंट्स के अमाउंट को फॉरवर्ड करना चलिए प्रैक्टिस करते हैं नोटबुक निकालिए साथ साथ लिखेंगे यू कैन सी क्लियरली ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट वही सेम फॉर्मेट है पहले फॉर्मेट बना लो अलग अलग पेजेस पे ताकि आप आराम से लिख पाओ सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले हम सारी एडजस्टमेंट्स करेंगे सबसे पहली एडजस्टमेंट तो फिक्स रहती है हमारी क्लोजिंग स्टॉक तो हम यहाँ लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे बैलेंस शीट के एसेट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक Amount is twenty four five hundred. Here also twenty four five hundred. तो पहली वाली adjustment तो बहुत easy रहती है सिर्फ closing stock को दो जगह transfer करना है Easily हम कर पाते हैं अब bad debt वाला adjustment, which is थोड़ा सा थोड़ा सा हम कह सकते हैं मुश्किल पड़ता है बट ठीक है उसके लिए पहले हम लिखेंगे यहाँ पे डेटर्स हमारे पास डेटर्स कितने हैं यहाँ पे डेटर्स जितने भी हैं दैट इज सिक्सटीन टू हंड्रेड अब हम क्या करेंगे ओन oh, no, no वाला कंसेप्ट करेंगे बेड डेप के अंदर तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो माइनस कर रहे हैं बैड डेप्स जो हमारे माइनस कर रहे हैं वो कर रहे हैं न्यू वाले ध्यान रखना फर्दर वाले तो वो टू हंड्रेड हैं वो माइनस कर देंगे हम यहाँ पे टू हंड्रेड रुपीज़ तो ये आ जाएगा मेरा सिक्सटीन थाउजेंड रुपीज़ और हम यहां पे वो ओन नो नो वाला कंसेप्ट फॉलो करेंगे फॉर दैट पहले हम लिखेंगे बैड डेप्स कौन से वाले ओल्ड वाले जो ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है ट्रायल बैलेंस के अंदर जो गिवन है दैट इज 500 हंड्रेड बैड डेप्स न्यू वाले ओन दैट इज 200 हंड्रेड नाव प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो अमाउंट यहां बचा उसके ऊपर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनेगा माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डाउटफुल डेट कितना परसेंट बोला गया है एट हंड्रेड तो यहाँ पे एट हंड्रेड माइनस करेंगे यहां आ जाएगा फिफ्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड बाहर ठीक है यहां पे हम लिखेंगे पहले प्रोविजन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑन नो न्यू वन न्यू वन कितना है एट हंड्रेड नाउ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ओल्ड वन माइनस कर देंगे जो ना दिया हो जो कुछ भी चीज तो उसको हम क्या करते हैं ना दिया हो तो उसकी जगह न लिखना है तो पुराना वाला हमारा प्रोविजन है नाइन हंड्रेड का तो उसे हम माइनस करेंगे सी थाउजेंड फिफ्टीन हंड्रेड माइनस नाइन हंड्रेड यहां पे सिक्स हंड्रेड बाहर आ जाएगा इस तरीके से हम इस एडजस्टमेंट को करेंगे बैलेंस शीट में भी और प्रॉफिट एंड लॉस में भी इसी में ही दिक्कत आती है कोई बात नहीं आती है तो आती है तो आपको करना तो है ही ना तो आप करोगे इसको ठीक है डू इट देन प्रोवाइड टू परसेंट फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स अब क्रेडिटर्स आते हैं हमारे लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स हमारे आते हैं लाइबिलिटी में अब हमें समझना पड़ेगा जब हम क्रेडिटर्स की बात करते हैं तो अगेन क्रेडिटर्स अगर हमें बेनिफिट uh, यानी कि डिस्काउंट देते हैं तो वो हमारे लिए गेन है 12,500 हमारा क्रेडिटर्स है और उसके ऊपर बन रहा है प्रोविजन 2% परसेंट प्रोविजन फॉर क्रेडिटर्स या डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स पूरा लिख सकते हो 2% 1% कितना 125, 2% कितना 250, ठीक है कैलकुलेशन इस तरीके से किया करो शॉर्ट हो जाता है तो इसको माइनस करना है ट्वेल्व टू फाइव जीरो और इसको हम यहाँ पर क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे विल शो दिस वन योर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स सो क्रेडिटर्स पे हम प्रोविजन दे रहे हैं टू परसेंट दैट इज़ टू फिफ्टी तो हो गया हमारा थर्ड एडजस्टमेंट देन मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगाना है ये तो हम बार बार करते ही आ रहे हैं कोई बात नहीं दोबारा कर लेते हैं एक और बार ताकि अच्छे से हो जाए सबसे पहले मशीनरी का बैलेंस हमारी मशीनरी है कितने की चलिए आप दोबारा से देखिए अपने सम के अंदर मशीनरी का बैलेंस कितना है दैट इज़ फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज़ ठीक है नाउ लेस डेप्रिसिएशन टेन परसेंट फिफ्टीन हंड्रेड माइनस करेंगे लॉस ऑन मशीनरी कितने का फिफ्टीन हंड्रेड तो ये फिफ्टीन हंड्रेड का हमने डिप्रीसी दिखा दिया मैनेजर्स कमीशन लास्ट में सबसे लास्ट में ध्यान रखना है पहले मैनेजर्स कमीशन कभी नहीं करते सब कुछ ट्रांसफर करने के बाद जब रफ नेट प्रॉफिट निकलेगा तब हम मैनेजर्स कमीशन करेंगे अब प्रीपेड इंश्योरेंस उसके लिए हमें रेंट एंड इंश्योरेंस टैक्सेस एंड इंश्योरेंस दिया हुआ है पहले वो लिख लेंगे टैक्सेस एंड इंश्योरेंस हमें दिया हुआ है ऑलरेडी टैक्सेस एंड इंश्योरेंस गिवन रुपीज थ्री थाउजेंड थ्री थाउजेंड में से जो भी प्रीपेड है हमारा प्रीपेड कितना है टू फिफ्टी उसे माइनस करेंगे माइनस प्रीपेड टू फिफ्टी माइनस करेंगे विल गेट टू अब ऑब्वियसली टू नाइन अब यहां पे देखो ट्वेंटी टू फिफ्टी हमारा माइनस हो रहा है थ्री थाउजेंड में से तो बच्चे का कितना टू सेवन फाइव जीरो तो ये ध्यान रखना है हमें प्रीपेड जब भी कोई चीज होती है तो वो एसेट में जाती है तो यहाँ हम लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस है टू फिफ्टी उसके बाद दिया है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फाइव हंड्रेड ओवर पे इंटरेस्ट हमारा जा रहा है फाइव हंड्रेड तो हम यहां लिखेंगे अगेन बैंक ओवरड्राफ्ट जो भी आपका बैंक ओवरड्राफ्ट है ऑब्वियसली बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लाइबिलिटी यू नीड टू पे आपको ये पे करना पड़ेगा ठीक है बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लाइबिलिटी कितना आपको देना है टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड उसके साथ साथ आपको इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ड्राफ्ट फाइव हंड्रेड भी देना है तो यहाँ पे आप लिख लो इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट ड्राफ्ट फाइव हंड्रेड तो आप यहाँ एड करके भी दिखा सकते हो यू कैन शो ऑन द डेबिट साइड हियर ऑल्सो इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवर ड्राफ्ट ठीक है यहाँ पे आप लिख सकते हो ओवर ड्राफ्ट सो दैट दिस इज 500 हंड्रेड okay, ओके इतना समझ में आ गया हमारी सारी एडजस्टमेंट्स हो गई हैं अब क्या करना है अमाउंट्स ट्रांसफर जितने भी अमाउंट्स हैं उनको ट्रांसफर करते जाओ सबसे पहले दिया हुआ है कैपिटल कैपिटल जाएगा लाइबिलिटी में कैपिटल फोर्टी वन सिक्स हंड्रेड इजी है याद रखनी है सारी चीजें करते जाओगे तो ही समझ में आएगा इतनी प्रैक्टिस क्यों करा रहे हैं हम वजह यही है कि आप करोगे प्रैक्टिस तो ही समझ में आएगा ड्रॉइंग्स दिया हुआ है नाइन थाउजेंड वो हम माइनस करेंगे यहाँ पे कैपिटल में से नेक्स्ट गिवन जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा जनरल एक्सपेंसेस तो हमारे जो जनरल एक्सपेंसेस हैं दैट इज थर्टी फाइव हंड्रेड वो यहाँ जाएंगे बाकी के लिए हम एक बार यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं आगे का फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस को थोड़ा सा और आगे स्ट्रेच करेंगे ठीक है जनरल हो गया देन वी मशीनरी ऑलरेडी ट्रांसफर्ड फर्नीचर नहीं ट्रांसफर किया है कर देते हैं फर्नीचर हमारा एसेट है जो कोई चीज कहाँ जा रही है वो आपको पता होनी चाहिए आप प्रैक्टिस करोगे तो ही पता चलेगा कौन सी चीज कहाँ जाएगी फर्नीचर के बाद क्रेडिटर्स ऑलरेडी हम दे चुके हैं ट्रेड एक्सपेंसेस जाते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रेड वर्ड की वजह से ट्रेडिंग में मत डाल देना गलती यही करते हैं सारे बच्चे ट्रेडिंग में डाल देते हैं क्योंकि ट्रेड वर्ड लिखा हुआ है वो ध्यान रखना है नहीं होगा ट्रेड एक्सपेंस के बाद बेड डेप्थ है ऑलरेडी रिटर्न देन बेड बैंक ओवर ऑलरेडी रिटर्न फिर आ जाता है आपका स्टॉक ओपनिंग स्टॉक क्योंकि क्लोजिंग तो ऑलरेडी लिख चुके हैं तो बचा कौन सा स्टॉक दिस इज ओपनिंग स्टॉक ट्वेंटी थाउजेंड टू हंड्रेड इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं कर ही रहे थे देर से ट्रेडिंग में डाल ही रहे हैं फिर आ जाता है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस कभी भी डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं मतलब जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हैं तो वो जाते हैं हमारे ट्रेडिंग में थर्टी हमने डाल दिए यहाँ पर डायरेक्ट के बाद है टैक्सेज एंड इंश्योरेंस ऑलरेडी हम डाल चुके हैं टैक्सेज एंड इंश्योरेंस वेजेस वेजेस जाते हैं हमेशा ट्रेडिंग में याद रखना है वेजेस हमेशा जाते हैं ट्रेडिंग में तो ये हो गया नाइन थाउजेंड डेटर्स हम ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हैं सेल्स हमारी जाती है ट्रेडिंग में बट क्रेडिट साइड पे क्योंकि उससे पैसा आया है एटी फाइव हंड्रेड में अंदर इसलिए डाल रही हूं अगर रिटर्न है तो माइनस करेंगे रिटर्न नहीं है तो डायरेक्टली डाल देंगे परचेजेज यहाँ पे रिटर्न नहीं है तो इसलिए हम डायरेक्टली डाल रहे हैं परचेजेस को भी फिफ्टी थ्री थाउजेंड येन वी हैव स्कूटर स्कूटर इज माय एसेट ध्यान रखना है स्कूटर इज माय एसेट ठीक है कोई भी व्हीकल आपकी एसेट होती है स्कूटर के ऊपर हुआ खर्चा वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा स्कूटर एक्सपेंस फाइव हंड्रेड आप सोचो कि पाँच सौ पाँच हज़ार की कौन सी स्कूटर आती है आती है सेकेंड हैंड लो तो समझ में आएगा ले सकते हो चलो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट ऑलरेडी हम यहाँ पे डाल चुके हैं ओल्ड वन दिस इज न्यू वन ये सारा यहाँ पे सारा न्यू जाता है और यहाँ नो ठीक है डिस्काउंट वाला पार्ट नहीं है इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है फिर है कमीशन गिवन कमीशन हमारा गिवन है क्रेडिट साइड पे इसीलिए हम क्रेडिट में ये लिख रहे हैं इसका मतलब ये रिसीव्ड है ध्यान रखना है बिल्स रिसीवेबल बिल्स रिसीवेबल जो हम रिसीव करने वाले हैं इसीलिए एसेट है थर्टी फाइव हंड्रेड बिल्स पेबल हम पे करने वाले हैं बिल्स पेबल फोर्टी फाइव हंड्रेड ऑब्वियसली ये हमारा लाइबिलिटी है बैंक लास्ट बैंक सिक्सटी नाइन हंड्रेड रुपीज़ हमारे बैंक में पड़े हैं तो वो भी हमारा एसेट है तो इस तरीके से हम सारे अकाउंट्स के अमाउंट्स को ट्रांसफ़र कर देंगे और सेल्स में कोई रिटर्न नहीं है तो इसीलिए 85000 एटी फाइव थाउजेंड डायरेक्टली हम बाहर डाल देंगे अब क्या करें प्रॉफिट्स निकालें लॉसेस निकालें फिर उसको एडजस्ट करें बैलेंस शीट का टोटल करें एंड देन अच्छा कभी ऐसा भी होता है पेपर लिखते लिखते लास्ट तक आ गए हैं टाइम बहुत कम है तो बेटा यहाँ तक पहुँच जाओ ये पहुँच गए तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल गए ठीक है आठ मार्क का है तो छः मिल गए छः मार्क का है तो चार पाँच मिल गए तो आप ये सब करने के चक्कर में प्लस माइनस करने के चक्कर में बाकी क्वेश्चन जो चार मार्क का छः मार्क का है जो आप अटैम्प्ट कर सकते हो उतनी देर में आपको टाइम मैनेजमेंट भी खुद ही सीखना पड़ेगा टाइम मैनेजमेंट भी खुद ही सीखना पड़ेगा आप ये चक्कर में कि भाई ये वाला कर लूँ मैं पूरा और और क्वेश्चन ना कर पाओ ऐसा मत करना ठीक तो well, like है तो टाइम मैनेजमेंट सीखो वन लैक नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड यहाँ का टोटल है यहाँ का टोटल देख लेते हैं फिफ्टी प्लस ट्वेंटी सेवेंटी सेवेंटी एट्टी एटी टू एटी टू प्लस थ्री एटी टू प्लस थ्री एटी फाइव एटी फाइव प्लस सिक्स हंड्रेड तो यहाँ पे आएगा आपका एट्टी फाइव सिक्स हंड्रेड मैं यहाँ लिख रही हूँ टोटल वन लैख 9500 थाउजेंड माइनस ये 6 है 9 प्लस 3 दैट इज़ 5 5 यहाँ आ जाएगा दैन फाइव वन एट इज फाइव माइनस फाइव एंड देन दिस इज़ 2, सो यहाँ आ जाएगा मेरा ग्रॉस प्रॉफिट क्योंकि मेरा क्रेडिट साइड ज़्यादा है 23900 एंड टोटल हियर वन ज़ीरो नाइन फाइव डबल ज़ीरो इस तरीके से क्लोज करना है पहले वाले क्वेश्चन में जगह की कमी थी इस कारण हमने ऊपर लिखा था लेकिन अभी यहाँ पे इस तरीके से ही लिखना है सी टोटल अमाउंट लिख कर इस तरीके से ऐसे ग्रॉस प्रॉफिट लिख कर करना है यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे मैं हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस की जगह छोड़ देती हूँ ये आपको ध्यान रखना है ट्वेंटी थ्री नाइन हंड्रेड ओके ना तो टोटल ही 23 थ्री प्लस टू ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी अच्छा ये टोटल हम यहाँ लिखेंगे सॉरी नॉथ ही यहाँ 26,150 क्योंकि जहाँ अकाउंट क्लोज होता है वहाँ पे हम लिखेंगे टोटल चलिए पहले इधर का टोटल कर ले देख ले नेट प्रॉफिट कितना है वो नेट प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र करेंगे अपनी कैपिटल में 26,150 ठीक है यहाँ पे देख लेते हैं ना हियर सिक्स हंड्रेड प्लस फिफ्टीन हंड्रेड ट्वेंटी वन हंड्रेड ट्वेंटी वन हंड्रेड प्लस ट्वेंटी सेवन फिफ्टी ट्वेंटी वन फोर्टी एट फिफ्टी फोर्टी एट फिफ्टी प्लस फोर थाउजेंड फोर्टी एट फिफ्टी प्लस फोर थाउजेंड एटी एट फिफ्टी एट फिफ्टी प्लस एट हंड्रेड एटी एट फिफ्टी एटी एट फिफ्टी प्लस एट हंड्रेड सो हियर जीरो फाइव सिक्स वन नाइन सिक्स फाइव जीरो चलिए अब नाइन सिक्स फाइव जीरो टू सिक्स वन फाइव जीरो नाइन सिक्स फाइव जीरो माइनस करेंगे सो विल गेट आ प्रॉफिट जीरो जीरो इलेवन माइनस सिक्स फाइव इलेवन माइनस सिक्स फाइव फिफ्टीन माइनस नाइन सिक्स वन सो हियर सिक्सटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड यस 16500 वी हैव प्रॉफिट सो विल एड नेट

चलिए नाउ टोटल दोनों साइड का टोटल कर लेते हैं दोनों साइड का टोटल बराबर हो गया तो हमारा सम परफेक्ट है वो तो होता ही है तो चलो यहाँ पे इसका टोटल कर लेते हैं पहले 11000 11 प्लस 11 4500 15500 15500 प्लस 1220 15500 प्लस 12 15 12250 12, 12250 और 1220 2 12, 12250 so here it is two seven seven five zero two seven seven five zero plus forty nine one hundred चलिए zero five one plus seven eight nine plus seven that is six sixteen means one here six one seven sixty six thousand eight fifty हेयर चलिए चेक करें एक इसका टोटल कितना आता है थोड़ा स्पेस ऊपर का हम यूटिलाइज करेंगे टू कैलकुलेट दिस जैसे ट्वेंटी एट सेवन हंड्रेड ट्वेंटी फोर फाइव हंड्रेड ट्वेंटी एट सेवन हंड्रेड ज़ीरो जीरो टू वन ट्वेल्व थ्री वन फिफ्टी थ्री टू हंड्रेड ओके निय और नीचे से प्लस करते हैं ये पहले प्लस कर लेते हैं एट प्लस फाइव थर्टीन थर्टीन प्लस थ्री थर्टीन प्लस थ्री सिक्सटीन सिक्सटीन प्लस सिक्स ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू प्लस वन ट्वेंटी थ्री फोर हंड्रेड ट्वेंटी थ्री यहाँ हुआ ये दोनों तो ऑलरेडी हम ऐड कर चुके हैं ठीक है ना ऑलरेडी कितना ऐड कर चुके हैं हम ये वाला ये वाला दोनों ऐड कर चुके हैं ये भी ऐड कर चुके हैं 250, फिफ्टी टू फिफ्टीड सो ज़ीरो फाइव सिक्स थ्री टू सो यो फाइव थ्री टू डबल ज़ीरो टू थ्री सिक्स फाइव जीरो सो टोटल अगैन सेम कैज यू कैन सी सो योर सेवन सिक्स एट फाइव ज़ीरो सो क्या करना है सबसे पहले अडजस्टमेंट्स पूरी करेंगे अकाउंट्स के अमाउंट फॉरवर्ड करेंगे और उसके बाद टोटल निकालेंगे एडजस्टमेंट्स देखो बहुत ज़रूरी है ओन नो नो वाला कंसेप्ट आना जरूरी है प्रोविजन फॉर क्रेडिटर्स दिया हो तो कहाँ जाएगा वो दिखाना ज़रूरी है अगर आउटस्टैंडिंग है तो प्लस करना है प्रीपेड है तो माइनस करना है प्रीपेड एक्सपेंस है तो एसेट में जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो लाइब्रेलिटी में जाएगा देना बाकी है अगेन इनकम रिसीव हो जाती है एडवांस में तो उसको माइनस करना है यहाँ इनकम में से और लाइब्रेलिटी में लिखना है अक्रूड इनकम है मिलनी बाकी है तो ऐड करेंगे और एसेट में दिखाएंगे वो तो फिक्स ही है सारी एडजस्टमेंट्स हमने की हैं उसी एडजस्टमेंट के बेस पे इस तरीके से आप पूरे सम को करोगे चलो इसके बाद एक और करते हैं सम लास्ट सम ताकि हमारी प्रैक्टिस पूरी हो जाए कि कंटीजेंट लाइबिलिटी भी दिखानी हो तो हम कैसे दिखाएंगे ठीक है लास्ट सम फॉर दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट देन वी विल स्टार्ट इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स